नमस्कार। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका कुछ सालों पहले कोई एक्सीडेंट हो गया हो, जिसमें उनके घुटने के पास की हड्डी डैमेज हो गई होती है। ऐसी हड्डी को जोड़ने के लिए अक्सर ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसमें प्लेट व स्क्रू डाले जाते हैं। ऐसे मरीज आज के समय में घुटने में दर्द की शिकायत करते हैं, वह उनके घुटने में आर्थराइटिस डायग्नोस हो चुकी होती है। अब ऐसे मरीज जहां पे इम्प्लांट यानी कि प्लेट स्क्रू लगे हैं, वहां पे नॉर्मल विधि द्वारा टीकेआर करने के लिए इस प्लेट व स्क्रू को निकालना पड़ता है, परंतु रोबोटिक सर्जरी द्वारा बिना उस इम्प्लांट को निकाले हुए एक ही बार में जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। रोबोटिक विधि द्वारा मरीज का सीटी स्कैन करके नी की मॉर्फोलॉजी को डेवलप किया जाता है, वह उसके हिसाब से ऑपरेशन की प्लानिंग की जाती है। चूंकि नॉर्मल टीकेआर में होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हमें इम्प्लांट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। रोबोटिक सर्जरी कूल्हे के आसपास पड़े हुए इम्प्लांट वाले मरीजों में भी सक्सेसफुल होती है। अक्सर ओल्ड एज के पेशेंट्स गिरने के कारण हिप फ्रैक्चर कर जाते हैं, जहां पे बॉल को रिप्लेस किया जाता है, यह रॉड डाली जा सकती है। ऐसे मरीज भी रोबोटिक रिप्लेसमेंट सर्जरी द्वारा अपना नी रिप्लेस करा सकते हैं। तो दो ऑपरेशन के बजाय आपका एक ही ऑपरेशन में काम हो जाता है। यह एक बहुत ही एडवांटेजियस चीज है जो कि रोबोटिक सर्जरी द्वारा अचीव की जा सकती है। धन्यवाद।